हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और अभी अभी हम लोग उठे हैं और आज के दिन का आगाज़ करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें फिर मैं आप लोगों से फ्रेश होकर मिलती हूँ। सो फाइनली हम लोग सब फ्रेशन अप हो चुके हैं, अब करने लगे हैं ब्रेकफास्ट और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के करेंगे। तो देखते हैं सब लोग क्या क्या खा रहे हैं। जी तो यहाँ पे नाश्ते में मेरी बहन ने मेरे लिए एग फ्राई और टोस्ट किए थे और ख़ुद ये लोग ब्रेड पर नूटेला लगा के खा रहे थे। इन्होंने मेरी सुलाई नहीं मारी। और यहाँ पे हमदा अपने स्लाइस का वेट कर रही थी जो कि रिदा उसको लगा के दे रही थी नूटेला, और यहाँ पे ये इंजॉय कर रही है अपना स्लाइस। उसके बाद हमने तो एग एंड ब्रेड खूब इंजॉय किया, जो कि एग अच्छी तरह ही पक गया था, फुल फ्राई हो गया था। यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और साथ साथ अपने बच्चों को बोल रही थी कि सीधे होकर बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं और सुनते नहीं माओ की बात। ये दुख माएँ समझ सकती हैं। और उन लोगों को मैं बता रही थी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठे। और यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी को करवा रही हूँ नाश्ता, जो कि टिक के बैठती नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। इसकी हरकतें आप चेक करें, कभी कुछ करिए कभी कुछ किया, अच्छा भला सीरियस बंदा भी हंसने लग जाए। ये घर में भी पूरा दिन इतना हम लोगों को तंग करती है, किसी को टिक के बैठने देती ना, किसी के काबू आती है। बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है हमारे घर का ये। इसको खाना खिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये एक जगह टिक के बैठ के खाती नहीं है। कभी इसके लिए खाने को शिप बनाना पड़ता है, कभी प्लेन बनाना पड़ता है, फिर ये खाती है। इसको कुछ खिलाने के लिए पूरा घर हमें घूमना पड़ता है इसके पीछे पीछे, फिर जाके ये थोड़ा सा कुछ खाती है। इसीलिए मैंने इसको सोचा अपने पास बिठा के खिलाऊं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कितना तंग करके थोड़ा सा इसने खाया बिल्कुल। और यहाँ पे मैं चाय पीने लगी हूँ और मेरी छोटी बहन जो है वो कॉफ़ी पीती है, उसको चाय बिल्कुल नहीं पसंद। तो हम लोग चाय इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग साथ साथ चाय इन्जॉय कर रहे हैं और साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि अब हम लोगों ने कमिंग डेज़ में क्या क्या करना है, किसके घर जाना है और बाहर आउटिंग के लिए किधर जाना है। और पुराने कुछ दुख सुख फूलने लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले हैं। फ़ोन पे तो बात हर किसी से हो जाती है, लेकिन आमने सामने बैठ के बात करने की और ही बात होती है। जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपनी फैमिली को और अपनी बहन भाइयों को कितना मिस करते हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल के बाद मैं अपनी बहन से मिली हूँ, तो हम लोग अक्सर बैठ के ऐसे ही बातें करते हैं, पास्ट की बातें याद करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और ये एक किस्म की मेमोरी है हम लोगों के लिए। और अब यहाँ पर दोपहर हो चुकी है, बच्चों ने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद ये लोग अपना पढ़ भी चुके हैं और फ्री टाइम में ये लोग ड्राइंग कर रहे थे। इन लोगों को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और हमदा रोज़ अपनी और पूरी फैमिली की और खाला की पिक्चर्स बनाती रहती है। इसको पिक्चर बनाना बहुत पसंद है। और अदीन पता नहीं क्या बना रही थी, उससे हमने पूछा, वो कहती पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। और ये हानिया के काम चेक करें, ये मंकी की तरह इधर चिपकी हुई है और जहाँ पर भी इसको सोप मिल जाता है हर जगह सोप से पूरी विंडो में इसने अपनी ड्राइंग बना दी है। और यहाँ पे साइड में मैं खाना खा रही हूँ इन लोगों के साथ बैठ के। खाने में रोटी के साथ अचार गोश्त खा रहे थे जो कि मेरी भाभी ने बनाया था, बहुत ही मज़े का था। तो हम लोगों ने दोपहर का खाना एंजॉय किया, बाकी सब खा चुके थे, मैंने लास्ट में खाया क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी। और खाना खाते खाते मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी ताकि कोई उल्टा काम ना करें। और इसके बाद हम लोग डिनर के लिए इस रेस्टोरेंट गए जहाँ पे हमें वीडियो बनाना भूल गया, लेकिन हमने खूब इन्जॉय किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।